और सवाल ये भी है कि पीआईए का असल खरीदार है कौन। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाद अब पीटीआई भी कूद पड़ी है। चंदा डालकर पीआईए खरीदेंगे, बेचने नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर की जानब से मौकफ सामने आया है, कहा कि पीआईए की बोली के लिए जहां तक जाना पड़ा जाएंगे, पीआईए खरीद कर इसी नाम से चलाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने यह वाजे किया है। तो अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से, नून लीग की जानब से खबर आई, उसके बाद हमने देखा पीपल्स पार्टी और आप पीटीआई भी इस हवाले से मैदान में कूद पड़ी है। बनाएंगे उसके ऊपर, जैसे पहले भी मीटिंग करेंगे, उसके बाद एक करारदाद पास करेंगे, वहाँ पर वाकई के लिए एक नया अमल दें, हमें फाइनल कॉल देनी है। और ये जो अब ये निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता मजीद एक तबाही की तरफ ले जा रहा है इस मुल्क को, उसमें हमारे जो मुतालबात हैं सामने लाएंगे, फिर आगे एक टाइम बनाकर फिर फाइनल कॉल पूरे पाकिस्तान की देंगे, पूरे पाकिस्तान को बात करेंगे और मार्च करेंगे। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं आपको यही बता रहा हूँ, भीड़ में जहाँ तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। हम इसको अपना सरकारी, जो हमारा पाकिस्तान नेशनल एयरलाइन है, सरकारी ही रखेंगे, नाम भी यही रखेंगे और इंशाल्लाह सूबे की सारी आवाम साथ खड़ी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।